लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक मिनट। हे नीरू, हाउ आर यू? तुम यहाँ? तुम तो कनाडा शिफ्ट हो गई थी, फिर यहाँ पर वापिस आ गई। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं है ना, इसलिए। तुम अभी तक बदली नहीं, आओ तुम्हें मैं अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं अनिरुद्ध चौधरी बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? रणवीर सिंह, गुस्सा कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अभी तो जिंदगी के बहुत सारे पुराने हिसाब पेंडिंग है, एक एक करके हर हिसाब बराबर करना है मुझे। रणवीर सिंह नाम है मेरा, याद रखना समझे? सॉरी चित्रा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। तुम्हारा इंतजार तो मैं बरसों पहले कर चुकी हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, यही बताने और समझाने में यहाँ आई। देखो चित्रा, अगर वास्ता नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ मिलती नहीं। वास्ता होता, और इस वास्ते की सबसे मजबूत कड़ी है हमारा बेटा सागर। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। सागर सिर्फ मेरा बेटा है और हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। तुम्हारे ऐसे कह देने से संबंध टूट नहीं जाएगा चित्रा। मैं सागर को अपना बनाकर ही होगा। क्यों तुम सागर के पीछे पड़े हो? एक जिंदगी से खिलवाड़ काफी नहीं है जो अब दूसरी के पीछे पड़े हो तुम? इसके बारे में सिर्फ इतना कहना है मुझे कि मैंने कोई जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। तो तुम भी ये सच मान लो कि सागर तुम्हारा बेटा नहीं। चित्रा, तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि सागर मेरा बेटा नहीं है, मैं मान लूंगा। रणवीर, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी को संभाला है और मेरे बेटे के सिवाय मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। चित्रा, मैं भी अपनी जिंदगी के उस हिस्से को अपने से जोड़ना चाहता हूँ। जिस हिस्से को अपनी जिंदगी से काट कर फेंक चुके हो तुम, आज फिर उसे जोड़ने की इच्छा हो रही है तुम्हारी? क्यों तुम हमें चैन से जीने नहीं देते? अपने बेटे की खातिर बहुत कष्ट उठाए हैं मैंने, बहुत बदनामी सही है मैंने। आज जब मैं अपने बेटे के साथ जीना चाहती हूँ तो तुम सामने आकर खड़े हो गए। आखिर तुम चाहते क्या हो रणवीर? मैं सागर को अपना बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, सागर तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो मैं कभी एतराज नहीं करती। सागर अगर मेरा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? कौन है उसका बाप? बोलो चित्रा, सागर किसका बेटा है? कौन है उसका बाप? बोलती क्यों नहीं, बोलो। सागर के माँ बाप दोनों मैं ही, वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। चित्रा, तुम्हारे ऐसे कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती और मैं ये सुनकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो क्या करोगे तुम? साफ साफ बताओ, अगर सागर का बाप मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है उसका बाप? किस मुँह से तुम ये सवाल पूछ रहे हो और किस हक से? हक की बात मत करो चित्रा, जितना सागर पर तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। क्यों, ये हक किसने दिया तुम्हें? इतने बरसों बाद मुंह उठाकर चले आए अपने बेटे पर अधिकार जताने? किसी भी रिश्ते पर यूं ही हक पैदा नहीं हो जाता मिस्टर रणवीर सिंह, और आज अपने बेटे के लिए तुम्हें मोह पैदा हो गया। मैं मानता हूं चित्रा, मगर मेरे हालात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं चाहकर भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाया। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम मजबूर नहीं थे, तुम भागकर चले गए थे मुझ पर बदनामी का कलंक लगाकर, मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करकर। इतना ये सच नहीं है, अगर ये सच होता तो मैं तुम्हारे सामने आकर यूं खड़ा नहीं हो जाता।
मुझे मेरी जिंदगी वापस तुम्हारे सामने लेकर आई है, वो सिर्फ इसलिए कि अनजाने में जो मुझसे भूल हुई थी मैं उसका प्रायश्चित कर सकूं। चित्रा, आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। मेरे किए की सजा जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। सजा? सजा तो मैंने भुगती है मिस्टर रणवीर सिंह, कुंवारी माँ कहलाने की सजा। और जो कुंवारी माँ के लाचन लेकर अपने बेटे के साथ जीती है ना, उस बेटे के बाप का नाम नहीं हुआ करता। सागर मेरा बेटा है और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ आज बुलाया है कि तुम हमारी जिंदगी में मत आना। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, एकदम टपोला निकला। अरे जिसे दूध पिलाया उसी ने मुझको डस लिया। अरे मालिक, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तो खास कर कृपा करे, किस पे गुस्सा दिखाए? इधर आ, तेरी कसम हो। अरे अरे डालेंगे क्या? बस बस, क्या सोचा था? क्या सोचा था? लेकिन इसने तो मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं। अरे अरे, कहाँ हो गया तुम्हें, पगला गए हो का? अरे पागल हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। अरे होश में रह के मुझसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अरे आखिर बताओगे हुआ क्या? हाँ, सारा घर का सामान तोड़े डाल रहे हो। इससे पहले तो हमने तुमको ऐसे कभी नहीं देखा। क्या करे, अरे तुमको मालूम है, अरे हमको मालूम नहीं था कि हमारे ही घर में विभीषण पैदा हो गया है, वो प्रशांत। क्या हुआ प्रशांत को? उसने चौधरी के कंपनी में नौकरी कर ली है। क्या, प्रशांत ने चौधरी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया? पगला गया है, पगला गया है। हमको तो कजरी, हमको लगता है कि इसमें चौधरी की जरूर कोई साजिश है। उसने प्रशांत को लालच दिया होगा, तभी वो वहां मुंह उठा के नौकरी करने चला गया। एक बार क्या था तो इतना जूते से मारूंगा। अरे ठीक है ठीक है, हम ये चौधरी को बर्बाद किए बिना चैन से नहीं बैठने वाले। हम इसको ना बाबा बताएंगे। तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें बर्बाद करना है ना तो तुम चौधरी को अच्छी तरह बर्बाद करना। अरे वो भूल गया कि हम मदन तिवारी हैं। अरे एक तिवारी सब पे भारी, भूल गया वो। अब उसको भी बताएंगे और चौधरी के एक मेंबर को बताएंगे हम कौन है, हम सबको बताएंगे। मानसी, तुम्हें अपने सिवा किसी और का ख्याल होता है या नहीं? हाँ, अगर तुम्हें अपने ही हिसाब से चलना होता है तो क्यों झूठ बोलती हो? क्यों कहती हो कि तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है? तो तुम कौन सा साथ दे रहे हो मेरा? क्यों, साथ क्यों नहीं दे रहा? मानसी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस तरह रेस्टोरेंट से उठ के आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वहां मेरी कोई जरूरत नहीं थी। जब मैंने तुमसे वादा किया था कि नौकरी मिलने पर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तो फिर वहां से उठकर आने की जरूरत क्या थी? ट्रीट लेने वाली जो आ गई थी, कैसे बाएं फैला एक दूसरे के गले मिल रहे थे। वादा तुमने मुझसे किया था और निभाया उसके साथ। क्या बकर गए तुम? उसका नाम नीलू है, वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, बस। मैंने तुमसे उसके बारे में पूछा क्या? तुम जो इस तरह मुझ पर डाउट कर रही हो ना, बस इसीलिए बता रहा। मुझे तुम दोनों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वही मेरे लिए काफी है। मानसी, मुझे लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन नहीं। जब तक तुम्हारी यही सोच रहेगी हमारे बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। हाँ प्रशांत, जब रिश्ते के सफर में कदम कदम पर अविश्वास के झटके लगते हैं ना, तो कोई भी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं रहते। एक्चुअली मानसी, प्रॉब्लम ये नहीं है, जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते ना, वो हमेशा दूसरों पर शक करते हैं। अगर जिंदगी में जरा सी खुशी चाहिए ना, तो खुद पर विश्वास करना सीखो। बस मैं यही कहूंगा। निशांत,
उस इंसान पर भरोसा करना मतलब अपने आप को धोखा देने वाली बात है। उस दिन मैंने फोन करके उससे बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन लेकिन वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आया। निशान, जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि इतने वर्षों तक जिस मेहनत से हमने अपनी इज्जत बनाई है वो एक पल में मिट्टी में न मिल जाए। भैया मुझे नहीं लगता कि ये संजना का मैटर इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शांत, बस एक बार मुझे रणवीर सिंह मिल जाए ना तो उसे बराबर समझा लूंगा। लेकिन वहां वो अपनी जिद पर अड़ा है, उसे घर मिलने गया तो मिला नहीं, संजना मिली, अब वो मेरी बात क्या सुनेगी? भैया वो मेरी बात भी सुनने को कहा था यार, वो रिश्ता नहीं दुश्मनी निभा रही है, अब छोटी छोटी बातों पर उतर आई। क्या मतलब? पहले उसने उर्मिला से दोस्ती की, अब दुश्मनी कर बैठी है, और मां को अपनी तरफ मिला लिया है और उर्मिला के खिलाफ भड़काने में लगी हुई। निशान, ये औरत जब जेद पर उतर आती है ना तो शर्म लाज सबको छोड़ देती है। उस दिन जब रणवीर सिंह मुझे नहीं मिला तो संजना से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन वो मेरी बात कहां मानेगी? भैया मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि ये उर्मिला से संजना की दुश्मनी कहीं हमें और हमारे परिवार को तोड़ कर ना रख दे। देखिए, इससे पहले कि वो कुछ बताए मैं घर वालों को साफ साफ सच सच सब कुछ बता दूंगा। निशान, तुम क्या बताओगे, इसका क्या फायदा होगा बताओ तुम? भैया मैं दोहरी जिंदगी कब तक जीता रहूंगा मैं? बस एक बार मुझे वक्त दो, एक बार, उसके बाद हम दोनों भाई मिलकर इस झूठ की जिंदगी को खत्म कर देंगे। मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं। हेलो। हेलो, संजना बोल रही। फोन पर बुरा भला बोलने का जो तुम्हें शौक है वो मैं भी बोल सकती हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं चुपचाप बैठकर ये सब सुनती रहूंगी। मैं जान गई हूँ तुम कितनी ओछी हो, तुम्हारी हरकतों का पता चल रहा है मुझे। चलो ठीक है, जो तुम्हें कल पता चलना था वो आज पता चल गया। मेरी दोस्ती का ये इनाम दिया तुमने मुझे? दोस्ती तुमने तोड़ी है और दुश्मनी भी तुमने शुरू की। अब तुम देखो कि इस दुश्मनी को मैं कैसे निभाती। तुम्हें जो भी करना है कर लो, लेकिन मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहकर करो, समझ गई? तुम मुझे चाहकर भी अपने परिवार से दूर नहीं कर सकती उर्मिला, क्योंकि तुम्हारे परिवार से अब मेरा नाता छूट गया है। तुमने मुझसे झूठा बोलकर बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि झूठ क्या होता है और सच क्या होता है। तुम्हारे झूठ ने तुम्हें हमारी निगाह में पहले से ही गिरा दिया है। अब तुम कोई भी सच लेकर सामने आओ, उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो वक्त ही बताएगा उर्मिला जी कि मेरी सच्चाई के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। माँ जी को मेरा नमस्ते कहना। जिस औरत की शर्म ही खत्म हो जाए वो कुछ भी कर सकती है। अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। डॉक्टर साहब, मैं जानकी को लेकर बहुत परेशान हो गया हूँ। मिस्टर चौधरी, इस तरह आपके परेशान होने से होगा क्या? हम अपनी तरफ से जानकी के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन जानकी अगर ठीक नहीं हुई तो मैं खुद अपने आप को गुनहगार ठहरूंगा। मैंने बहुत गलतियां की है डॉक्टर। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक गलती का प्रायश्चित तो कर लूं। मिस्टर चौधरी, आप अपनी प्रार्थना मुझसे नहीं भगवान से कीजिए, हो सकता है भगवान आपकी प्रार्थना सुन ले। अरे डॉक्टर, भगवान भी मेरी प्रार्थना कहां सुन रहा है?
उसने भी तो मेरी जानकी को आपके हाथ में सौंप रखा है। इसमें मेरी आपसे यही विनती कि आप मेरी जानकी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज। लेकिन हम भी अपनी कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। आप नहीं जानती जानकी की ऐसी हालत को लेकर मेरे परिवार वालों के दिल पर क्या बीत रही है। आपको सबसे काम लेना होगा मुझे जाकर। इतने साल इसी सब्र और इसी इंतजार में बिता दिए कि जानकी की हालत कभी ना कभी तो सुधर जाएगी। मिस्टर चौधरी आप उम्मीद मत छोड़िए, ऐसे केसेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानकी जब तक यहां रहेगी मैं चैन से नहीं रह सकता डॉक्टर, क्योंकि अब तक तो मैं अपने आप से जूझता रहा हूं, लेकिन अब तो मेरे अपने बेटे ने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिया है। उसका यह मानना है कि जानकी की ऐसी हालत का मैं जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से जानकी पागल हुई है, उसे उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं। ये आजकल के बच्चे अपनी समझ से अपना यकीन पैदा कर लेते हैं, और आपके बेटे का गुस्सा मैंने उस दिन भी देखा था। एक बाप को अपने बेटे को सफाई देनी पड़ रही, ये भी कुछ ठीक नहीं है ना। देखिए मिश्रा चौधरी, सफाई देने से उनका अपना नजरिया बदल नहीं जाएगा। मैं खुद भी इन्हीं बातों से गुजर रही हूँ। मेरी अपनी बेटी मुझ पर यकीन नहीं करती। सागर बेटा, आज अचानक इस काका को कैसे याद कर लिया? क्यों, मैं आपको याद नहीं कर सकता? आप इतने सालों तक मेरे साथ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। क्या है बेटा कि मुझे महसूस हो रहा है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई है, और माँ की ममता के साए में यह मुरारी तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब मुरारी सिर्फ पथरीली राहों पर ही दिखाई देता है। जब कोई साथ नहीं देता ना, तब मुरारी की मुरली की तान सुनने को मन करता है, वरना तो यह मुरारी दूध में पड़ी हुई मक्खी है।